इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र खानपुर झालावाड़ राजस्थान। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती कुसुम लता जैन, श्री कपिल, श्रीमती वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, श्री विपुल, श्रीमती दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव, फर्म बेंसन पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती मुन्नी देवी, श्री राजेंद्र कुमार जी, श्री ज्ञानेन्द्र, श्रीमती मधु, श्री संजय, श्रीमती सिंपल, श्री नीरज, श्रीमती मोनिका, प्रांजुल, संयम, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रियांशी, प्रियांश एवं समस्त गदिया परिवार सूरत, फर्म आदिनाथ टेक्स कैंप लिमिटेड। तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं जम्मं मरणं न पावेन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्राकृते जोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाट नवटा प्रीणन्तु मा साधु गुरुबा पांतनु नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गो उपदेशिका इक्षाई भन्ते आर्य भक्ति कौशुको को दशालोचन शमनान शमदन सन संचर्जुताणम पंचविहाचाराणम आयरियाणम आयारादि शुद्धनानो उपदेशयाणम वज्रयानम तिरेण गुणपालयानम शब्दशाहुणम शारचकालम वंशेमि पूज्यमि वंदामि नमस्यामि दुःख को कुमको समाहि उन्नम जिन गुण संपत्ति हो मज्जुम। अपराणिक प्रक्षणाश्वाध्याय विलयाम श्री कविश
सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। संजय कुमार जैन बनखेड़ी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रतिमा जी के पीछे से शांतिधारा जी करना और गंधोदक सर्वप्रथम किसको देना चाहिए? प्रतिमा जी के पीछे से शांतिधारा होना और पीछे खड़े होकर सिर पर से शांतिधारा करना, दोनों में अंतर है। क्योंकि व्यक्ति जब खड़ा हो जाता है तो वह भगवान के सिर से ऊपर निकलता है। जैसे गोमतेश बाहुबली को देखा आपने, पीछे से व्यक्ति जा रहा है, पीछे ही खड़ा हुआ है, लेकिन वो सिर से इतना ऊंचे पहुंच गया कि वो सिर पे से शांति धारा कर रहा है। इसलिए वो पीछे की शांति धारा नहीं मानी जाएगी, मेरे सिरों ऊपर ही मानी जाएगी, क्योंकि उसका हाथ जो है सिर के ऊपर ही पहुंच रहा है। इसलिए ऐसी कोई बाधा नहीं है, व्यवस्थाओं के अनुसार व्यवस्था की जाती है। बड़ी मूर्तियां होती हैं, साइड से उस मूर्ति तक तुम जा नहीं सकते, जाओगे तो फिर उनको बहुत ज़्यादा निकट जाने के लिए बहुत विकल्प होते हैं, कंधे आदि पर जाना पड़ता है, तो वो पीछे का कोई ऐसी बाधा नहीं है। गंधोदक का अर्थ कोई ऐसा मार्शला लागू नहीं है कि इसी को देना चाहिए, कायदा से जिसने पहले गोली ली है उसको गंधोदक पहले मिल जाना चाहिए, क्योंकि उसने बड़ी भावना से संकल्प के साथ उसने शांति धारा करने का भाव किया। अयोध्या से पंकज यादव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, बिना किसी धर्म का पाले बिना अध्यात्म को प्राप्त किया जा सकता है? अध्यात्म ही तो धर्म है, पाले बिना का अर्थ क्या? किसी भी धर्म का पालन नहीं करते हैं। तो धर्म क्या है? अध्यात्म ही तो एक धर्म का फल है, बीज बिना फल कैसे होगा? अध्यात्म एक धर्म का फल है। राग द्वेष निर्वृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु, राग द्वेष की निर्वृत्ति के लिए चारित्र ग्रहण किया जाता है, और राग द्वेष की निर्वृत्ति होने पर अध्यात्म की उपलब्धि होती है। अध्यात्म को तुम बिना बीज के फल पाओगे कैसे? ऐसा इंजीनियर पंकज पाटनी बारा राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अष्टानिका पर्व, अष्टमी और चतुर्दशी, इन्हें अनादि निधन पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनादि निधन है, इस दिन सारा अकृत्रिम रूप से ज्योतिष मंडल में योगी नक्षत्र होते हैं, इन ग्रहों के अंदर अलग अलग परिणति होती है, ये इनका गति संचार ऐसा अष्टमी चतुर्दशी को बैठता है कि वो उस रास्ते से गुजरते हैं जो रास्ते अपने आप से धार्मिक और योगी नक्षत्रों के कहलाते हैं। नक्षत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, हर नक्षत्र का नेचर अलग अलग होता है। जैसे बृहस्पति है, उसका कुछ नेचर अलग है, शुक्र है, उसका नेचर अलग है। तो जब ये नक्षत्रों की जब गति बनती है तो ऐसे एरिए से गुजरते हैं जो एक अपने आप में आध्यात्मिक होता है, धार्मिक रूप होता है। देवताओं में भी अलग अलग नेचर होते हैं, तो उस समय वो पर्व का रूप धारण कर लेता है। ये धर्म से संबंध कम रखता है, ज्योतिष से संबंध रखता है। अष्टान का पर्व और अष्टमी चतुर्दशी ये अनादि अनिधन पर्व हैं। गुरुग्राम से सुनीता जैन पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जो पुजारी अपने घर से धोती दुपट्टे प्लास्टिक की थैली में या कागज की थैली में लेकर के आते हैं और श्री जी के मंदिर जी में बदलकर अभिषेक पूजन आदि करते हैं, क्या यह सही या गलत? यही गलत है तो क्या करना चाहिए जिससे मंदिर जी के धोती दुपट्टे शुद्ध पहन? मैं इस व्यवस्था में हाँ कहूँगा नहीं और मना करूँगा नहीं। मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत संदेह होता है, कहीं बरसाती फट गई,
कहीं छू लिया, कुछ कर लिया। मना इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आजकल यही परंपरा सुविधा युक्त है। वास्तविक रूप से तो है स्टील का एक डिब्बा हो और स्टील के डिब्बे में बंद रह करके ही धूप दुपट्टे आते हैं तो पूर्ण निर्दोष है, लेकिन हर स्थान पर ले जाना शक्य अनुष्ठान नहीं बन पा रहा है। परिस्थितियाँ आज की हैं तो इसका नाम यही रखो, चलती का नाम गाड़ी। सहदेव जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, साधना और ध्यान को सही विधि किस प्रकार से करना चाहिए? साधना तो एक साधन है, किसी लक्ष्य को लेकर के उस लक्ष्य को सिद्धि करने में जो जो उपाय होते हैं उन उपायों को अपनाना साधना कहलाती है। जैसे मुनि व्रत बिना हम रत्नत्र नहीं पा सकते, तो मुनि व्रत ही साधना है। रत्नत्र मोक्ष का साधन है, वही साधना है। और साधना के बाद ध्यान आता है। ध्यान का अर्थ होता है अपने लक्ष्य बिंदु पर अपने मन को एकाग्र कर लेना, अपने उपयोग को समस्त बिंदुओं से हटा करके एक ध्येयभूत वस्तु के ऊपर अपने ध्यान को एकाग्र कर लेता है, उस समय वह ध्यान का अधिकारी है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एकाग्र चिंता, एकाग्र हो और चिंता का निरोध हो। चिंता यहाँ विकल्प के अर्थ में आए, विकल्पों से बाहर हो वही ध्यान कहलाता है। अर्पिता जैन खांडला से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य हरिसेन जी के द्वारा बृहत कथा कोश और अमित गति महाराज, एक मिनट, एक ध्यान रखना, ध्यान बिना क्रिया और चारित्र के नहीं बन सकता। जब तक व्यक्ति क्रिया और चारित्र को अंगीकार नहीं करेगा तो ध्यान बन ही नहीं सकता। उसको कुछ ना कुछ तो संयम धारण करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उद्दंडता का त्याग करना पड़ेगा। इंद्रिय और प्राणी संयम का कुछ भी अंश ग्रहण किए बिना ध्यान करता है तो आर रौद ध्यान तो कर सकता है, लेकिन जिसे ध्यान कहते हैं वो ध्यान नहीं कर सकता। धर्म में और धर्म ध्यान में बहुत अंतर है। धर्म को भी ध्यान कहते हैं, लेकिन जो ध्यान आसन लगा करके किया जाता है वह संयम के बाद शुरू होता है। आचार्य हरिशेन के द्वारा रचित बृहत कथा कोश और आचार्य अमित गति महाराज के द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ को प्रथमानि युग के ग्रंथ के साथ साथ न्याय और दर्शन का सरलीकरण करने वाले ग्रंथों की श्रेणी में लिया जा सकता है? ये पुराण नहीं है, कथा कोश है। पुराण में और कथा में अंतर होता है। पुराण के नियम होते हैं, पुराण एक कानूनबद्ध प्रक्रिया है, एक उसी कानून के दायरे में डालेंगे तभी वो पुराण कहलाएगा। इसलिए ये दोनों पुराण न होकर हैं, पुराण की कथाएं, लेकिन कथा कहने का पैटर्न अलग होता है। तो ये कथाएं दोनों हैं। इन दोनों कथाकार अपने आप सोचता है कि हम कथा के माध्यम से चारों अनियोग तुम्हें प्राप्त करा दें। एक गोपालदास बरैया ने एक उपन्यास लिखा है, सुशीला उपन्यास। सुशीला उपन्यास के अंतर्गत एक उपन्यास की कहानी लेकर के और बीच में मुनिराज के मिलने पर जो उन्होंने उपदेश कराया है, पूरा कर्म सिद्धांत का उपदेश करा दिया है, गुणस्थान मार्गना स्थान उपदेश करा दिए। तो कथाकार अपने कथा नायक को एक ऐसा स्वरूप प्रदान करता है कि उसमें से सब गुण दिखते हैं। कथाकार की सबसे बड़ी विशेषता होना चाहिए कि कथाकार को कथा नायक में सारे गुण दिखने चाहिए, मतलब कोई गुण उसमें कम है तो वो कथा नहीं कहलाएगी। पुराण हो सकता है, पुराण में सत्यासत्य का निर्णय न करके सत्य को कहा जाता है,
पुराण में जो है वो कहना है। रावण के ऊपर भी पुराण लिखा जा सकता है, पुराण के नियम बनेंगे, उस नियम के दायरे में यदि आप लिखते हैं तो चाहे अच्छे व्यक्ति के संबंध में लिखे चाहे बुरे व्यक्ति के संबंध में, वो पुराण की कोठी में आ जाएगा, क्योंकि रावण भी पुराण पुरुष है। पर और महापुरुषों में सामान्य भी पुराण पुरुषों पर, जैसे बहुत सारे पुराण लिखे गए जो तीर्थंकर नहीं थे पर उन पर भी पुराण लिखे गए। और कथा कोश में आता है, कथा कोश एक भक्ति है, कथाओं में कथानायक कथाकार अपने नायक में संपूर्ण गुण देखना चाहता है, अवगुण नहीं गुण देखना चाहता है, और वो उसकी दृष्टि में इतना महान हो जाता है कि संसार के जितने गुण हैं विधाएं हैं सब मेरे कथानायक में हैं। और ये दृष्टि बनने का परिणाम ये निकलता है कि कथानायक का आलम्बन लेकर दार्शनिक की बातें, चरणानुग की बातें, करणानुग की बातें सभी कथानायक के मुख से कहलवा देते हैं। दयोदय महाकाव्य में एक धीवरनी के मुख से, एक धीवर के मुख से क्या ज्ञान की बातें कराई हैं, वेदों की चर्चा करा दी, धर्म की चर्चा करा दी, पुराणों की चर्चा करा दी, श्लोक बढ़वा दिए। अब वो पुराण नहीं था, कथा था, देवदेव एक चंपू है और कथा के रूप में उन्होंने ऐसा प्रस्तुत किया, तो ये कथा ना कथाकार की विशेषता होती है। नमस्ते महाराज जी, बहुत सारे श्रावक जो बाहर से शिविर में आने वाले हैं उनके तरफ से प्रश्न है कि हम लोग अपने साथ क्या क्या लेकर के आए और किस समय हमें आपके आशीर्वाद लेकर के शिविर में प्रवेश करना है। क्या क्या लेके आए ये बोलने की अपेक्षा कुछ नहीं लाए, बस इतने काफी। उनका कहना है कि हम लोग अंगूठी चैन वगैरह पहन करके आ सकते हैं क्या? कदापि नहीं लाना है, चैन अंगूठी घड़ी मोबाइल ये तो बिल्कुल बैंक में लॉकर में रख के आना है, कुछ भी नहीं लाना है। मात रास्ते में तुम्हें वैसे आने में दिक्कत हो तो पैंट शर्ट पहन लेना, हाँ, और वो भी यहाँ जमा करा दिया जाएगा। माँ तुम्हारी जिंदगी की वेशभूषा है अंडरवियर बनियान और धोती दुपट्टा, धोती दुपट्टा आपको यहीं से मिलेगा, अंडरवियर बनियान आप खुद का लाएंगे और एक टॉवल आप अपने लेके आए, क्योंकि टॉवल अपनी अपनी हो तो अच्छा रहता है। बस और कुछ नहीं लाना, तेल लाना नहीं, कंघी लाना नहीं, क्योंकि बाल ही नहीं रहेंगे, कंघी किस पे करोगे। दर्पण की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां सबके चेहरा एक से ही होते हैं, इसलिए और बड़े बड़े दर्पण यहां लगा दिए जाते हैं वहां थोड़े बहुत के लिए। सब कुछ जितना निष्परिग्रह होकर लाओगे, तन पे कुछ नहीं लाना, मन में कुछ नहीं लाना, वचन में कुछ नहीं लाना, बस यही शिविर की विशेषता है। वहां से कुछ भी लाना नहीं है, लेकिन यहां से इतना समेट के ले जाना कि जन्म जन्म तक भी खर्च ना हो। बिल्कुल सब तरफ से कोरी किताब बन के आओ, मन को बिल्कुल कोरा करके लाओ, तन को बिल्कुल कोरा करके लाओ, वचन को बिल्कुल, जितना शिविर में जितना मौन रहोगे उतना ही तुम धन कमाओगे, और जितने कान खुले रखना है मुंह बंद रखना है। कान रख क्या करना है? कान खुले रखना, आंख खुली रखना, मात्र मुंह, और जितना मुंह बंद रहेगा तुम्हारा शिविर का आनंद उतना ही आएगा। इसलिए वचन को भी बिल्कुल कोरा करके आओ, तन को कोरा करके आओ, और मन को भी, बस कोरी स्लेट लेके आना है, और स्लेट पर मैं लिखाऊंगा वो इबारत तुम्हारी होगी, लिखाऊंगा मैं, लिखोगे तुम, और तुम लिखोगे तो वो इबारत तुम्हारी होगी, बस कोरी स्लेट लेके आओ, यही सबसे बड़ी विशेषता है। कुछ भी मन, कोई धन दौलत, किराए के लिए पैसा लाओ तो ठीक है,
लौटने के लिए लाओ, वो भी यहाँ अमानती सामान ग्रह में जमा हो जाएंगे। ऐसा अब तुम्हें कोई दान पुण्य करना हो, शांति धारा करना हो, तो वो अपना पैसा उतना लाना और आते ही यहाँ अमानती सामान ग्रह में जमा करा देना, और वहाँ जमा करा दोगे बस, फिर कोई विकल्प नहीं आएगा। और या फिर बिफोर टाइम रसीद कटा लेना, जिस दिन शांति धारा करना हो राशि पहले जमा करा दो, ये सबसे बड़ा अतिशय होगा। दुनिया कार्य करने के बाद राशि जमा कराती है, और शिवरात्रि शांति धारा बाद में करेगा, पहले जमा करा देना, तो फिर रखना नहीं पड़ेगा। तो ये सब विचार करके लाना है, कितने बजे वहां प्रवेश करना, क्योंकि कल 7 तारीख है, परसों से 10 लाक्षण पर्व चालू हो जाएंगे। कायदा से तो कल रात के 12 बजे से व्रत चालू हो जाएंगे कल, और कल आप दिन में ही आने का प्रयास करें, क्योंकि आपको यहाँ की सामग्री मिलेगी, किट बैग नंबर मिलेगा, सारी कमेटी कल रात भर जागेगी, पूरी व्यवस्थाएं हैं। कल शाम को जिज्ञासा के बाद आपकी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब यहाँ से आपको उपलब्ध होंगी, तो कल आना ही श्रेयस्कर है। कुचित कजाचित, किसी की ट्रेन सुबह टाइम आती है, कुचित कजाचित कोई बात होगी तो वो 1 नंबर का प्रवेश तो बंद हो जाएगा, 2 नंबर का दरवाज़ा हाँ थोड़ा चला लेंगे, पर परसों सुबह सुबह तक, क्योंकि सुबह का ध्यान, सुबह की पूजा आपकी नहीं छूटना चाहिए, बस ये ध्यान रख लेना। बर्बाद एक और जो तत्वावसूर लेखन कार्य चल रहा है पूज्य मुनि श्री के 42वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष में, जो दादा दवाइयाँ लेते हैं शुगर की, ब्लड प्रेशर आदि की, वे कृपया करके नहीं आवे तो अच्छा है जिनको, और जिनको थोड़ा बहुत चलता है, भोजन के साथ लेने में काम चल जाए तो ठीक है, और आगे पीछे लेने की स्थिति बने तो जो थोड़ा सीरियस बीमार हो वे कृपया करके घर में ही आरोग्य लाभ ले। पूज्य श्री के 42वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में जो तत्वावसूर लेखन प्रतियोगिता चल रही है, और जो निर्धारित तारीख आपके रजिस्टर में लिपिबद्ध है उसके अनुसार आप अपना ग्रंथ जमा करें। अगर वायदा में किसी कारण से आप नहीं जमा कर पाते हैं तो निर्धारित तारीख से 5 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, वो प्रथम लेट में जमा होगा, उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 5 दिन और दिए जाएंगे जो सेकंड लेट में जमा होगा, और जल्दी से लिख करके आप जमा करें। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल आदि विविध डिजिटल माध्यमों से देख रहे देश और विदेश के लाखों करोड़ों भक्तों की ओर से, और यहाँ सामने विराजित सभी सुधी श्रोताओं की ओर से जगत पूज्य के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। निवेदित करता हुआ आज के इस बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम का आरंभ करता हूँ। हे गुरुवर, आपके मुख से कोई वाणी निकले और वो पूरी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अभी 2-3 दिन पहले ही ये कहा गया था कि जहां जहां परीक्षाएं व्रतों में संचालित हो रही हैं वो स्थगित होने चाहिए, उसको रोक लगने चाहिए। सबसे पहले जबलपुर ने इसकी घोषणा की, उसके बाद सागर, अभी कल टीकमगढ़, छिंदवाड़ा और शहडोल, ये डिस्ट्रिक्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक घोषणा और हो रही है कि 10 दिन मांस, टीकमगढ़ नगर परिषद ने सबसे पहले घोषणा की है कि 10 दिन खुले में मांस इत्यादि का विक्रय भी नहीं होगा। टीकमगढ़ नगर परिषद ने घोषणा की है कि मांस इत्यादि खुले में बिकेगा नहीं, बिल्कुल उसका निषेध रहेगा। तो कोई भी चीज की यदि यहां से आह्वान किया जाता है उसकी पूर्ति जरूर होती है। आज प्रथम जिज्ञासा रखेंगी बाल ब्रह्मचारिणी बहन किरण दीदी और विभा दीदी, दोनों में से एक जिज्ञासा रखेंगे कोई भी, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे स्नातक विद्वान विकास जी शास्त्री। जगत पूज्य तीर्थ शिरोमणि मुनि पुंगर मेरे आपक श्रवण के चरणों में कोटि शह नमन, मंचासीन सभी संतों के लिए यथा योग्य नमन, बंदामी इच्छामी। महाराज जी, शिविर का देखने का
शामिल होने का और लाभ लेने का बहुत दिन से, जब से शुरू हुआ है तब से मन में भावना रही है। और यही भावना लेकर के हम आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं कि समूह शरण में भी 12 सभाओं में एक हम लोगों की भी व्यवस्था रहती है, तो क्या सागर में ऐतिहासिक महाशिविर का आयोजन हो रहा है उसमें हम लोग की क्या व्यवस्था रहेगी? हम देखना भी चाहते हैं और लाभ भी लेना चाहते हैं, इसलिए ये गुरुवर हम लोग की प्रार्थना पर कृपया ध्यान दीजिएगा। देखो, एक हमारे शिविर की व्यवस्था है कि हम महिलाओं को और जो शिविर में भर्ती नहीं है उनको किसी भी मुख्य जो कार्य हो उनमें शामिल नहीं होने देते। जैसे सार्वजनिक समय जो होते प्रवचन है और जो प्रतिक्रमण है सब बैठते, लेकिन सुबह के ध्यान में हम किसी को बैठने नहीं देते। और क्योंकि उसमें वही व्यक्ति जो संकल्पित होता है, फिर भी एक बस में लिखा था कि यहाँ सिगरेट पीना मना है, धूम्रपान। तो एक व्यक्ति ने कहा कि साहब हम यहाँ धूम्रपान के लिए दो, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत तलब लग रही है, मुझे पी लेने दो। ड्राइवर का नहीं पी सकते, देखो क्या लिखा है। बोले बाजू वाला पी रहा है तो? बोले बिना पूछे पी रहा है। अब इतने से आपको सब बातें समझ जाना चाहिए। मैंने कानून बनाया है तो मैंने ही तो लिखवाया है। अब मैं तो यही कहूंगा कि भाई बस इतना इशारा काफी है। बस जिज्ञासा रखेंगे स्नातक विद्वान विकास जी शास्त्री, और इसके बाद तैयार रहेगा अकंप ग्रुप महिला मंडल नेहा नगर मकरोनिया। हेलो हेलो। पल पल तरस रहे थे जिन पलों के लिए, अब वो पल आने वाला है कुछ पलों के लिए, उन पलों को संजो लेना कुछ पलों के लिए, नहीं तो वो पल भी चला जाएगा हर पलों के लिए। पूज्य गुरुदेव आपके चरणों में श्रमण संस्कृति श्रमण ज्ञान भारती संस्थान मथुरा के सभी छात्रों का कोटि कोटि नमोस्तु निवेद करते हुए, गुरुदेव जिज्ञासा ये है कि कई बार व्यक्ति के जीवन में सब कुछ बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, स्वस्थ भी तन भी स्वस्थ रहता है, मन से भी ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई ऐसी कमी हमेशा खलती रहती है जिसकी पूर्ति नहीं कर पाता है। आखिर ऐसा क्या रहता है जीवन में जो खालीपन वो हमेशा महसूस करता है, और उस खालीपन को कैसे पूर्ण करें? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। खालीपन का महसूस होने का अर्थ है व्यक्ति पर सापेक्ष। जब पर से कुछ चाहता है तो उसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती। जब पर निरपेक्ष हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप में पूर्ण की अनुभूति करता है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अश्वर्षी, पर से मेरा संबंध नहीं। ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां दी हैं, इनमें सब कुछ समाया हुआ है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मुझे पर से कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद इतना है तो पर को कौन लेता है? जो अधूरा हो, अतृप्त हो, जिसके पास कम होता है वह उसकी पूर्ति करना चाहता है। और पर से पूर्ति करना हमारे हाथ में नहीं है, वो सामने वाले के हाथ में, और वो भी किसी को देना क्यों चाहेगा? इसलिए जब व्यक्ति अपने आप में पूर्णता की अनुभूति करता है, और वो पूर्णता की अनुभूति होती है पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, अरस अरूपी अस्पर्शी पर से मेरा, बस पर से मेरा संबंध टूट जाए, तव और मम ये दो प्रत्यय अध्यात्म ने जब तक तव और मम ये स्थितियां बनती रहती, मैं और तू नहीं, तेरा और मेरा, तू और मैं, ये तो भेद विज्ञान है।
तू है, मैं हूं, ये तो भेद विज्ञान है। लेकिन तेरा और मेरा का संबंध जब तक चलता है, तब तक व्यक्ति हमेशा कोई ना कोई कमी महसूस करता है, और इस संबंध से यदि ऊपर उठ जाता है तो एक क्षण में व्यक्ति इतना पूर्ण हो जाता है कि फिर उसको लगता ही नहीं कि मेरे में कोई कमी रह गई। जिज्ञासा रखेंगे अकंप ग्रुप महिला मंडल नेहा नगर मकरोनिया, और इसके बाद तैयार रहेगा श्री चंद प्रभु महिला मंडल वर्णी कॉलोनी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, इच्छामी महाराज। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्रों ने निगोद में रहकर ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया था कि मोक्षगामी हुए थे, मोक्षगामी जीव हुए थे? उन्होंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कोई बुरा कार्य भी नहीं किया। स्नान उसी को करना पड़ता है जो गंदा होता है, वो जब गंदे ही नहीं हुए थे तो स्नान क्या करते, क्योंकि वे निगोदिया में थे, और निगोद में कोई इतना बड़ा कोई पाप नहीं कर सकता, बड़ी परिणाम कर्षित रहते हैं, लेकिन इतना कोई महान पाप नहीं करता निगोदिया जीव, निधत्त निकाचित कर्मों का बंध नहीं कर पाता, क्योंकि उसके परिणाम इतने नहीं होते, इसलिए वो इस संसार के इस निधत्त निकाचित मायाचारी से आदि से क्रोध आदि मान लोभों से उतने उड़ते नहीं थे। उन्होंने किसी से संबंध ही नहीं बनाए थे, तो तोड़ने का सवाल ही नहीं है। बस यही मानना चाहिए कि उन्होंने अच्छा कार्य कुछ नहीं किया था, तो बुरा कार्य भी नहीं किया था, इसलिए उनको मोक्ष जाने में ज्यादा बाधा नहीं पड़ी। जिज्ञासा रखेंगे श्री चंद्र प्रभु महिला मंडल वर्णी कॉलोनी, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या सिंघई, जो कि हमारा अखिल भारतीय महिला मंडल की संभागीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद वो अपनी जिज्ञासा रखेंगे। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में चंदा प्रभु महिला मंडल की ओर से त्रिवार नवोस्तु नवोस्तु नवोस्तु। माता जी के चरणों में बदनामी बदनामी बदनामी। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। नमोस्तु महाराज श्री, महाराज श्री विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों में यह बात कही है कि सुख धर्म का फल है और पाप से दुख मिलता है। फिर सभी लोग अपने अपने अनुसार धर्म के मूल सिद्धांत को छोड़कर धर्म की व्याख्या को बदल देते हैं और संसार में ही क्यों उलझे रहते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। कोई व्यक्ति चला करके जहर खाता है, दो ही व्यक्ति खाते हैं, या तो उसको ज्ञान नहीं है या फिर सुसाइड करना चाहता है, तो ये दो व्यक्ति। जब सभी को मालूम होता है कि तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, फिर भी खाते हैं, उसका मूल कारण होता है कि वो विष्णु की इतनी लत में आ जाते हैं कि फिर उनको छोड़ना और मरना और जीने में कोई फर्क नहीं दिखता। वो कहते मरेंगे और क्या होगा, बस इससे ज़्यादा और क्या होगा, लेकिन पीकर मरेंगे, बुरे कार्य करने की आदत पड़ जाती है, कहते मरेंगे और क्या होगा, पर दूसरे का विनाश करके मरेंगे। आतंकवादी क्या करता है, आत्मघाती जस्ता होता है, वो तो ठीक है मरूंगा और क्या करूंगा। अब वो जान रहा है कि मैं जिस कार्य को जा रहा हूँ मरना निश्चित है, अब वो मरना ही जो चाहता है। कहते ना मरता क्या नहीं करता, संसार में डूबने वाला कितने अच्छा कहो, उसको डूबना है तो डूबेगा। ऐसा जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती संध्या सिंह, और सभी से अनुरोध है कि आप एक बार ही संस्कृति महिला महासमिति के सभी सदस्यों की तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, बंदामी माता जी, इच्छामी महाराज जी। हे गुरुवर, जब केवली भगवान ने सब कुछ देख लिया था और जान लिया था, तब किसी के मरण को अकाल मरण कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि उसका मरण तो भगवान के ज्ञान के पहले ही झलक चुका है, फिर अकाल मरण क्यों? भगवान के देखने से अकाल थोड़ी टल जाएगा। अकाल का अर्थ भगवान ने देख लिया, यदि अपन ने देख लिया कि कल इसका एक्सीडेंट होगा,
तो हमारे देख लेने से उसका अकाल मरण नहीं माना जाएगा, उसको बात नहीं है। सेल्फाज खाने वाले से मरण मरता है व्यक्ति, ये हमें ज्ञान है। और कोई सेल्फाज खा के मर जाता है तो वो अकाल में ही आएगा। भगवान के ज्ञान से कोई भगवान ने जो देखा है वह नहीं होता है, जो होता है वो भगवान ने देख लिया है, विशेषता है। तो भगवान क्या हम ही जान जाते हैं, कई बार भावी घटनाओं को जान जाते हैं। आपने स्वप्न में देखा है और सवेरे वही घटना का समाचार आ जाता है, वो तो केवली भगवान है। इसलिए केवली भगवान देखते हैं, सो नहीं होता, जो होता है वो बिफोर टाइम देख लेते हैं। इसलिए सर्वज्ञता कर्तृत्ववाद के अंतर्गत नहीं है। उन्होंने अकाल मरण को अकाल मरण देखा है कि ये 100 साल की जिंदगी लेके आएगा, बीच में सेल्फाज खाएगा तो मर जाएगा। उन्होंने अकाल में मरना देखा है, लेकिन सेल्फाज खाएगा ये मरे खाएगा तब मरेगा ये भी तो देखा है। मैं इसके संबंध में उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति एक चिड़िया को पकड़े है, उसकी गर्दन पर उंगली रखे है और भगवान से पूछ रहा है, भगवान ये बताओ 1 मिनट बाद ये चिड़िया जिंदा रहेगी या मरेगी। यदि भगवान कहते हैं मरेगी तो वो छोड़ देगा, और वो कहे जिंदा रहेगी तो बोलो भगवान क्या कहेंगे। अरे भगवान, अपन भगवान को दुविधा में क्यों पड़े, अपन ही निपटा लेते हैं। अब बोलो भगवान क्या कहेंगे। भगवान यही कहेंगे कि तू अंगूठा दबाएगा तो मर जाएगी और छोड़ देगा तो उड़ जाएगी। कारण कार्य की विवक्षा के लिए ही भगवान कारण कार्य की विवक्षा को जानते हैं, कारण कार्य की विवक्षा को पूरा जानते हैं। इस कारण का ये है, इसका कार्य ये है। काल का जो आरोप आता है वह भगवान के ज्ञान की विशेषता हो सकती है, लेकिन वो सृष्टि की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते। और जैनागम में दूसरी बात है, भगवान ने क्या देखा है। लोग कहते हैं जो जो देखी भीतराग ने शोशो होती वीरारे। तो हमने जयपुर में एक सज्जन ने कहा, गुरु महाराज ये सही है कि नहीं। मैंने कहा पहले ये बताओ भगवान ने क्या क्या देखा है, पहले तो हमें ये बताओ भगवान ने क्या क्या देखा है। अभी हमें यही पता नहीं है कि भगवान ने क्या क्या देखा है। तो मैंने तुरंत पंक्ति बनाई, उन्होंने कहा जो जो देखी भीतराग ने शोशो होती वीरारे, क्या क्या देखी भीतराग ने तू क्या जाने कीरा रे। इतना सा तो कीड़ा है, भगवान ने क्या देखा मुझे पता ही नहीं। भगवान ने क्या कहा वो मुझे पता है, समझना महानुभाव। भगवान ने क्या देखा हमारे ज्ञान का, लेकिन भगवान ने जो कहा है वो हमें पता है कि नहीं। तो भगवान ने क्या कहा 4 हाथ देख के चलो। भगवान ने क्या कहा जियो और जीने दो। भगवान ने क्या कहा पीछे हाथ मेरे के जीवों को बचाओ, जब बैठो तो देख कर बैठो, परिमार्जन करो। ये भगवान ने कहा है। अब उन्होंने क्या देखा था, अब भगवान ही मायाचारी करे तो मैं क्या करूं। हमें ये बताओ ये पीछे हमारे लिए परेशानी का कारण क्यों दे दी। बहुत परेशान हूं मैं इस पीछे से। अरे जब बिहार करता हूं तो पीछे भी भारी लगती है। जब भगवान ने देखा ही है कि जीव मरना है सो मरेगा, नहीं मरना है तो नहीं मरेगा, तो काय को हम पीछे लेकर चले। अब ऐसे देख जीव मर, भगवान आप बैठे बैठे क्या कर रहे हो, और आपने देख लिया है तो लाख पीछे लगाऊं वो क्या होगा। और आपने नहीं आपने देखा कि नहीं मरेगा तो हम उसके ऊपर बैठ भी जाए तो भी। ये व्यवस्थाएं सुछंदवाद की है। भगवान का उपदेश बता रहा है कि तुम पिछी लगा के बैठो। ये भगवान ने कहा निपिछी नथी निबाणम, बिना पिछी के 7 कदम से आगे चलने का निषेध किया। क्यों, क्या कारण रहा होगा। यदि नियतवाद होगा तो नियतवाद में सब कुछ नहीं आता। दूसरी बात, नियतवाद में भगवान ने उपदेश ही क्यों दिया। अरे जिसका जब कल्याण होना है सो होगा, उपदेश देने की जरूरत नहीं। करोति क्रिया निकाल दो, तुम ये करो ऐसा करो
क्या मिथ्यात का समय सब नियत हो जाएगा, सुसंधवाद फैल जाएगा। भगवान ने क्या देखा है इसको प्रमाण के लिए रखो, भगवान ने क्या कहा है उससे चमत्कार करो। हमें जिनेंद्र, हमें सर्वज्ञता से कल्याण नहीं होना है, हमारा कल्याण जिन वाणी से होना है। और वाणी में उन्होंने सदा पुरुषार्थ का उपदेश दिया है, सदा पुरुषार्थ की बात कही है, सदा सावधानी की बात कही है, सदा यत्नाचार की बात कही है। तो यत्नाचार ही बता रहा है कि भगवान भी कह रहे हैं मैंने क्या देखा है इस चक्कर में मत पड़ो, मैं क्या कह रहा हूं इससे अपने जीवन का कल्याण करो। विद्या सरकनी बाल ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर आराधना दीदी, वंदना दीदी और सारिका दीदी, इसके बाद तैयार रहेगा बालिका मंडल सागर। सन 1900 लगभग 86-87 की घटना होगी लगभग, मैं ऐसे प्रवचन दे रहा था पुरुषार्थ के ऊपर, सब सावधान रहा करो, अच्छे से बोला करो अच्छे। तो एक सज्जन खड़े हो गए, वो क्रमबद्ध पर्याय को भगवान की सर्वज्ञता को मानने वाले थे, वो बीच सभा में खड़े हो गए। प्रवचन बहुत तेजी से चल रहा था, बोले महाराज जी ये सब बातें आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन भगवान ने क्या क्या देखा है, जो भगवान ने देखा वही होगा कि आपके कहने से होगा? अरे कोई गाड़ी स्पीड से जा रही हो और बीच में कोई आ जाए तो, और वो भी मेरे प्रवचन में कोई खड़े होकर बोल जाए, अरे मैंने कहा इसकी इतनी हिम्मत? पर अब खड़ा हो गया तो हो गया, उसने प्रश्न पूछा है जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब मैं भी तुरंत रुक कर गया, बोले महाराज भगवान ने क्या क्या देखा है, जो देखा है वह होगा। तो मैंने कहा कि भाई साहब 50-60 साल के होंगे लगभग, मैंने कहा भाई अच्छे शब्दों में उत्तर दूं कि बुरे शब्दों में, मेरी खोपड़ी उस समय पे ऐसे लोगों चल जाती है बहुत जल्दी, तुरंत करंट देना था, अच्छे शब्दों में उत्तर दूं कि बुरे शब्दों में। तो उन्होंने कहा महाराज जी सभा बैठी है, थोड़ा अच्छे शब्दों में बोलना। मैंने कहा भाई यही उत्तर है आपका कि कुछ हमारे हाथ में भी है, अच्छे शब्दों में बोलना इसका अर्थ है कुछ हमारे हाथ में भी है। आपको तो ये कहना चाहिए भगवान स्वामी महावीर स्वामी ने जिन शब्दों में देखा होगा उन्हीं शब्दों में आप बोलोगे, उन्हीं शब्दों में बोलो। आपको तो ये कहना चाहिए भगवान ने जो देखा, भगवान ने देखा हो कि आप बुरे शब्द बोलोगे तो आप बुरे शब्दों में बोलोगे। आपने ये कहा नहीं महाराज सभा बैठी अच्छे शब्दों में बोलना, मैंने यही आपका जो बोलना है यही जवाब है कि कुछ अपने हाथ में भी है। वो जिंदगी में बोले महाराज मैंने ये प्रश्न हजारों पंडितों से हजारों बार खूब चर्चाएं की, महाराजों से पूछे, आज तक मुझे समझ में नहीं आया और आज मुझे उसका तर समझ में आया। मैंने कि बहुत सारे लोग जिनवाणी नहीं समझते, उनको वो सुधा वाणी ही ठीक है। मैंने उनको यही कहा, मैंने कि आप मेरी भाषा में समझोगे। बोले महाराज मुझे समझ में आ गया, आपने कुछ कहा नहीं और हमारी बात को हमारी जुबान से कहलवा दिया, आपने ये क्यों कहा कि अच्छे शब्दों में बोलना, इसका अर्थ है कुछ हमारे हाथ में भी है। पर स्वाध्याय सुनते थे जिंदगी में कहा कि अब मुझे सर्वज्ञता का अर्थ पता चल गया, वस्तुतः हमें वही करना है जो भगवान ने कहा है, भगवान ने जो जाना है वो भगवान जाने, भगवान कहा हम जाना है। कैसा रखेंगी बाल ब्रह्मचारी आराधना दीदी के साथ, हम आपको बता दें कल पूज्य गुरुदेव चौधरन भाई मंदिर गए थे, आज अब दिन का भी पता नहीं चल रहा है, हाँ कल आज पूज्य गुरुदेव सुबह चौधरन भाई मंदिर गए थे और दो परिवारों ने घोषणा कल कर दी थी, श्री सुबह सुनील जी, श्रीमती वंदना जी, राजेश जी, अनुपमा जी, रोहित जी, हर्षदा जी, सुरेश जी, वंशा जी, डॉक्टर मोहित जी, ईशाना जी, एडिना परिवार, जिन्होंने 15 लाख रुपए की राशि से 15 कलश की राशि से प्रथम सौभाग्यकर्ता के रूप में
द्वितीय सौभाग्यकर्ता के रूप में श्रीमान भागचंद जी, श्रीमती गुलाब बाई जी, जो मातेश्वरी और पिताजी डॉक्टर सुधीर जी जैन अंकुर कॉलोनी के हैं, ये घोषणाएं सभी हुई थी। तृतीय पुण्यार्चक श्रीमान विमल सिंह जी, सुमन सिंह जी, सिद्धार्थ जी, विभूति सिंह जी, दिव्या जैन जी, सौभाग्य समय ने आज तृतीय पुण्यार्चक के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार कल ध्वनि से मंगल भावों की अनुमोदना। और चतुर्थी पुण्यार्चक की स्वीकृति ब्रह्मचारी बहन नेहा दीदी, श्रीमती श्री कमल जी सराफ जी, श्रीमती सरोज जी सराफ परिवार ने स्वीकृति प्रदान की है। ये हमारे चार पुण्यार्चक परिवार हैं। सिर्फ दो पुण्यार्चक परिवारों को और पुण्य का अवसर प्राप्त होने वाला है। 15 कलश की राशि सिर्फ आपके लिए रखी गई है। जो भी पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से हमारे एडिना परिवार वालों से आप संपर्क कर सकते हैं। जिज्ञासा करेंगी बहन ब्रह्मचारी बहन आराधना दीदी और तैयार रहेंगी बालिका मंडल। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदामी, सभी छुल्लक जियों को इच्छा में। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो शासकीय सेवा से निवृत्त हो गए हैं, पेंशन मिल रही है, वे लोग क्या नवी प्रतिमा को धारण कर सकते हैं, और वे उसे धारण करना चाहें तो क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहें संयम के पद पर? तो नवी प्रतिमा तक ठीक है, थोड़ा विचार तो करने योग्य है, लेकिन फिर भी यदि पेंशनर हैं तो नवी प्रतिमा, क्योंकि उनका सब कुछ नियत हो गया, पेंशन भी उनकी नियत हो गई, सब कुछ निश्चित होने पर उनको बाधा तो नहीं होना चाहिए। हालांकि उसमें अनुमति त्याग, परिग्रह, परिग्रह त्याग है, लेकिन वो परिग्रह इतना सीमित है कि उनकी आजीविका के लिए बचा हुआ है, नियत है, तो थोड़ा सा उसमें विकल्प तो आएगा, क्योंकि पेंशन बढ़ती भी रहती है, तो थोड़ा दोष आएगा। अच्छा है कि वो पेंशन का त्याग कर दें। अब ये समस्या जाए कि फिर आगे आजीविका क्या हो, तो फिर उनको अष्टम प्रतिमा तक ही रहना चाहिए, क्योंकि नौमी प्रतिमा में आगे जाकर के विकल्प तो आएगा, क्योंकि परिग्रह पेंशन बढ़ती भी है, पेंशन का एक सरकारी रूप है, व्यवस्था है, तो विचारणीय विषय है। जिज्ञासा रखेंगी बालिका मंडल और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे इस महानुष्ठान के ध्वजारोहणकर्ता और आज के आहार दानकर्ता परिवार परम आदरणीय दिनेश कुमार जी, आनंद कुमार जी, समस्त बलहरा परिवार। जिज्ञासा रखें बालिका मंडल। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि तत्वार्थ सूत्र लिखते समय हमसे जो भी गलती हो जाए या शास्त्र का अविनय हो जाए, तो इसमें हमें क्या दोष लगेगा और इसका प्रायश्चित क्या होगा? कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि अच्छा कार्य है, अच्छे भाव है, पर थोड़ा बहुत भाव आता है, तो तुरंत लिखने के बाद जब बंद करो तो पढ़ लिया करो, बिन जाने वा जान के। जिज्ञासा रखेंगे ध्वजारोहणकर्ता आहारदानकर्ता परिवार से श्रीमती अलका जी और आदरणीय श्री दिनेश जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी, माता जी के चरणों में बंदामी। महाराज जी, मैं द्वादश वर्षीय पंचम वर्ष की छात्रा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारा मन ब्रज संयम लेने का करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें परिपक्वता नहीं आ पाती, तो और कभी ऐसा लगता महाराज जी ये छोड़ दूँ वो छोड़ दूँ और आगे बढ़ूँ, तो महाराज जी मैं ऐसा क्या करूं कि हमारे व्रत संयम में परिपक्वता आ जाए, मन पक्का हो जाए, कृपया मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु महाराज जी। कोई भी व्रत और नियम में हानि लाभ की धारणा बनाना चाहिए। हानि और लाभ जब मन में बैठ जाता है तो मन भी दृढ़ हो जाता है। इसका पालन करने से क्या लाभ है, इसको छोड़ने से क्या हानि है, यह स्वरूप हमारे लिए ज्ञान में आना चाहिए, और इसी ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति दृढ़ हो जाता है, फिर नियम टूटता नहीं। जिज्ञासा रखेंगे भैया दिनेश जी, समस्त परिवार शीघ्रता से जगत पूज और तैयार रहेंगे। हमारे बीच पधारी हैं बहन आयुषी मोदी पटना बुजुर्ग से। हम आपको बता दें हमारी आयुषी बहन सब ऑडिटर हैं, आज तक न्यूज चैनल में उनको भी हम आमंत्रित करेंगे।
इसके बाद वो अपनी जिज्ञासा पूज्य गुरुदेव के सामने रखेंगी। जगत पूज श्री मुनि पुंगा पुरसुदा सागर जी चरणों में बिलहरा परिवार को से कोटिशा नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामी, एक चोलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी हमारी शंका तो हम बाद में बताएंगे, सबसे पहले ये बता दें सबसे हमें दो बार बहुत खुशी हुई है। पहली बार जब आचार्य जी के आहार हुए थे और मैंने किसी के कहे कुछ भी कहने से पहले हमने अपनी तरफ से मतलब एक प्रतिमा रखी थी, और दूसरी बार ध्वजारोहण जो किया वो ही बिना किसी के कहने अपने आप यहाँ भावना भाई, और जब आपके चरणों में जगह हमने ध्वजारोहण किया पहली बार। और तीसरी महाराज जी मेरी शंका है कि ये जो कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है उसमें ध्वजारोहण चाहे पंचकल्याणक हो चाहे चतुर्मास हो, ये किस काय के लिए होता है? ध्वजारोहण एक उपधान है, एक संकल्प है। किसी भी चीज की ध्वज स्थापित करने के लिए हम ब्रह्मांड को ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी अकेले तुम्हारे धर्म कार्य के लिए नहीं है, ये हवाएं तुम्हारे लिए ही नहीं चलती हैं। पहले सब पूरा व्याप्त था, लेकिन आपने सीमा कह दी कि ये भाई 100x100 का प्लाट मेरा है। अब वो 100x100 प्लाट का जो एनर्जी है, उसके जो अच्छे बुरे परिणाम है, जिसने संकल्प किया, जिसके नाम ने बताया कि ये प्लाट मेरा है, अब जो भी वो अच्छा होगा वो उसका होगा और जो भी बुरा होगा उसका होगा। अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो जमीन पड़ोसी को कोई हानिकारक नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि संकल्प वो जमीन को किसने मान लिया, ये जमीन मेरी है। तो वस्तु भूमि अपना रूप बदल देती है, भूमि अब उसी को टारगेट बनाएगी अच्छे बुरे की। शुभ भूमि है तो उसको निहाल करेगी, अशुभ भूमि है तो उसको बारे न्यारे करेगी, उसका एक खत्म करेगी, क्योंकि संकल्प कर लिया। इसी प्रकार ध्वज स्थापन करते ही ये संकल्प हो जाता है कि यह भूमि यह स्थान हम धर्म कार्य के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ की भूमि में से भी धर्म की वर्णाएं निकलने लग जाती उसको जिसने ध्वज स्थापन किया है, और उसके लिए उसको टारगेट बनाएगी भूमि। किसने इस भूमि को धार्मिक बनाया, किसने संकल्प किया ध्वज स्थापन करना, तो ध्वज की जो स्थापना होती है उसका बहुत बड़ा महत्व है। एक दो बार हम कई बार शास्त्रीय प्रमाण को लेकर मनोवैज्ञानिक ढंग से इसको कई बार बताया है, और भी कभी समय आएगा बताएंगे, पर ये बहुत बड़ी चीज है। अब इनसे जैसे ही पृथ्वी से एनर्जी धार्मिक होना शुरू हो गई, क्योंकि इस पंडाल को इस स्थान को आपने धार्मिक घोषित कर दिया, अब हवा भी यहाँ चलेगी, तो जो ये कार्यक्रम तुम्हारा हो रहा है वो कार्यक्रम की वर्णाएं ध्वजा के माध्यम से छुएंगी, और ध्वजा जब हवा को छुएगी वो हवा जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ धर्म का सुवेक्षण होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी ध्वजा के माध्यम से पूरी पूरे पंचकरण की पूरे कार्यक्रम की एनर्जी ध्वजा के माध्यम से आकाश में जाती है, मंदिर की एनर्जी कलश के माध्यम से आकाश में जाती है। और कलश के ऊपर ध्वजा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि कलश जो है हवा को पूर्णता ग्रहण नहीं करता, ध्वजा हिलती है, हिलने के कारण से हवा का वेग के कारण हिलने से वह जो एनर्जी है वो दुनिया में फैलती है। तो मंदिर की एनर्जी भी सारी दुनिया में फैलती है ध्वजा के माध्यम से, और कलश माध्यम से, कलश जो होता है वो एनर्जी को भेजता नहीं है बाहर, ग्रहण करता है, पैरामिड है। पैरामिड का सिद्धांत है चार कोने एक बराबर नाप से शुरू करो, जीरो पे मिला दो, पैरामिड का सिद्धांत है। ये पैरामिड फ्रांस के नहीं है, जर्मन के नहीं है, ये हमारे भारत की मंदिर की शिखर है। शिखर का पूरा यही सिद्धांत है। तो शिखर पैरामिड के अंदर क्या होता है, अंदर के ब्रह्मांड की जितनी भौतिक शक्तियां होती हैं वो कलश ग्रहण करता है, कलश के माध्यम से वो शक्तियां अंदर आती हैं और गर्भालय को जहां भगवान बैठे हैं उसको पावरफुल बनाती, शक्तिमान बनाती है कलश के माध्यम। और कलश के माध्यम से जब कोई चीज आएगी तो रिटर्न भी होगी। तो कलश के माध्यम से मंदिर में एनर्जी आती है और ध्वजा के माध्यम से एनर्जी सारी दुनिया में फैलती है।
इसलिए कलश और ध्वजा की स्थापना वास्तु के अनुसार हमने बताया, धार्मिक के अनुसार तो इसका महत्व एक है कि हमने धर्म की यशा पता का, तुमने धर्म का ध्वज लहराया है, तुम्हारी भी ध्वजा के समान यश और पता का फहराएगी, ये उच्च गोत्र के बंद का भी कारण है। जिज्ञासा रखेंगी आयुषी मोदी जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे शिविर के निर्देशक परमादरणीय हुकुम काका जी। महाराज श्री, एक चमत्कार और हो गया आज। हम यहाँ से गए और हमारे बेटे ने मोबाइल खोला, एक 6 महीने से केस डला था इंदौर का, और बिल्कुल नामांतरण इसका हो गया प्लाट का। कहने लगे देखो महाराज जी के चरण पड़े और आज हमारा काम हो गया है। नमस्ते महाराज जी। जिज्ञासा करेंगी बहन आयुषी मोदी। हम आपको बता दें हमारी आयुषी मोदी समाजस्थ महेंद्र मोदी जी की नातिन और हमारे मनीष भैया की पुत्री है, और ये सब एडिटर हैं आज तक जो हमारा टीवी चैनल है, नंबर वन न्यूज चैनल है भारत का। जिज्ञासा रखेंगी बहन आयुषी और तैयार रहेंगे हुकुम कागा जी। उसके पूर्व हम आपको बता दें एक और घोषणा हमारे पास आई है, जो हमारे 31वां सावक संस्कार शिविर है उसमें एक अल्पाहार हेतु श्रीमान संतोष जी, संजय जी, अमित जी जैन, श्रीमती राजकुमारी, साधना जी, अभिलाषा जी, अहेश जी, सुयांश जी, दिव्यांश जी, आराध्य जी, शुभ जी, समस्त लौटना वाले परिवार ने 3,01,000 रुपए की राशि द्वारा हमारे शिविरार्थियों के एक दिन के अल्पाहार की व्यवस्था के लिए स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार कलदा ध्वनि से मंगल भावों की अनुमोदना करें और जिज्ञासा करेंगी बहन आयुषी मोदी और तैयार रहेंगे आदरणीय हुकुम का। नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु। आपकी आज्ञा से मैं 4 लाइनें प्रस्तुत करना चाहूंगी। सुधा सागर जी सुन लेना एक सवाल दीवाने का, अगर समझ में आ जाए तो हमको भी समझा लेना कि हमने अपना नियम निभाया तेरे दर पर आने का, हमने अपना नियम निभाया तेरे दर पर आने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर जाने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं है भक्तों के घर जाने का। महाराज श्री स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार मोदी जी के समस्त परिवार से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुझे तो इन 4 पंक्तियों का अर्थ समझ में आ गया, अब आपको समझाऊं? महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, इसका अर्थ पहले इसी का सुन लो। इसका यह है, ये कोई रिश्तेदार नहीं है कि तुम उनके यहाँ जाओ तुम उनके यहाँ आओगे। धर्म के क्षेत्र में गुरुओं के दरवाजे जाया जाता है पर गुरु को बुलाया नहीं जाता। हमारे लिए एक संस्मरण याद आ गया, बहुत पुरानी शायद 75-77 की घटना हो। पूज्य गुरुदेव सागर आते नहीं थे, सीधा बहेरिया तिगड्ढा है ना वो गर्रापुर का, वहाँ से मकरौनिया के लिए मुड़ जाते थे, वहाँ का परसौरिया के लिए। कई बार ऐसा हो गया, और पहले सागर के जो पंच लोग होते थे वो टोपी लगाते थे प्राय। तो हम लोगों ने एक बार प्लानिंग बनाई, उसमें तुम्हारे जिनन लाटवी वाले भी हैं, क्षमा सागर जी थे, हम लोग थे, 8 लोग थे। 8 लोग आचार्य के पास पहुँचे, आभाना में आचार्य श्री थे। तो हम लोग ये प्लानिंग करेंगे कि शायद ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं नेता लोग, ये लोग टोपी वाले हो, टोपी वाले के आजकल मामला थोड़ा सा वैसे ही होता है, वो कांग्रेसी टोपी मानी जाती थी पहले, पता नहीं ये लोग अच्छी से बिनाई करते हैं या नहीं करते। और बूढ़े बूढ़े लोग जाते हैं और आचार्य श्री को बूढ़े पसंद नहीं है। तो हम लोग प्लानिंग बना करके गए, अब कभी आचार्य श्री से बोले नहीं थे, डर भी लग रहा था। तो आह्वाना में आचार्य श्री अंदर मंदिर में बैठे थे, हम लोग पहुंच करके कि आचार्य श्री उठेंगे और तुरंत द्वार बंद करके आचार्य श्री पास बोले, बोले आचार्य श्री अभी तक आपके पास सफ़ेद बाल वाले आते थे और जाते थे, अब इस बार हम लोग काले बाल वाले आए हैं और अब की बार सागर चलना है। सीधा टेक टू ऑर्डर, आपको आप सागर चलना है। तो आचार्य से बोले बेटा तुम लोगों को अभी हमारा नियम मालूम नहीं,
अरे हमने कहा गलती हो गई, हम लोगों ने कहा कुछ गलती हो गई तो हाथ जोड़ लिया। तुम लोगों को मालूम नहीं हमारे संघ का नियम, हमारे संघ का नियम है सफ़ेद बाल वाले आते हैं और जाते हैं, और काले बाल वाले आते तो हैं लेकिन जाते नहीं हैं। और आज 8 लोगों में से 7 लोग मोक्ष मार्ग में हैं। तो ये दरबार यहाँ है जहाँ आते तो लोग हैं, क्योंकि इस दरवाजे तुम आओगे तो माला माल हो जाओगे, और हम तुम्हारे दरवाजे जाएंगे तो कंगाल हो जाएंगे। इसलिए ये आने वाली परंपरा बनने दो, ये भजनों के माध्यम से ना हम लोभ में आने वाले हैं ना चलें। हाँ बोले महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ, तो मैं अपनी लाइन में ऐसा क्या करूँ कि मैं धर्म की प्रभावना के साथ साथ निष्पक्षता से अपना काम कर सकूँ? अच्छी बातों के लिए मीडिया के माध्यम से हम जितना प्रसारित कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया का एक मुख्य है कि गलत बातें जो अनहोनी बातें होती हैं उनको बड़ी हेडलाइन में छापते हैं, कोई बुरा कार्य करे तो उसको बहुत जल्दी हाईलाइट करते हैं, तो अच्छे कार्य करने वालों को भी हाईलाइट करना चाहिए, अच्छे कार्यों को भी मुख्य पृष्ठ पर स्थान मिलना चाहिए। अच्छे कार्यों को यदि कोई करता है, अच्छा इंसान है, यदि उसने अच्छा कार्य किया है तो उसका भी प्रचार होना चाहिए। सबसे बड़ा यह ढंग यदि मीडिया में आ जाता है तो बुराइयों के प्रचार के साथ साथ अच्छाइयों का भी प्रचार हो तो मीडिया भी अपने आप में समाज का एक बहुत बड़ा दर्पण बन सकता है। और जिज्ञासा रखेंगे हमारे शिविर निदेशक परमादरणी हुकुम काका जी, उसके पूर्व हम आपको बता दें हमारे बीच हमारे सागर के DIG महोदय परमादरणी सुनील जी जैन साहब पधारे हैं, आए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें और उनका सम्मान करेंगे। परमादरणी सुरेन जी कर्रापुर और राजेश जी एडीना और हमारे स्वागत अध्यक्ष श्रीमान राज आशीष जी पटना। जिज्ञासा रखें काका जी। परम पूज्य निर्यापक शमन मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बाण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। नदी को कौन बताता है समंदर का रास्ता, जिन्हें मंजिल पाने का जनून हो वे मशवरा नहीं किया करते। पूज्य महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पिछले 30 वर्षों में जितने भी संस्कार शिविर हुए वहाँ पर जब संख्या शिविरार्थियों की 2,500-3,000 के ऊपर पहुँचने लगती थी समाज में घबराहट पैदा हो जाती थी। पूज्य महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि सागर जैन समाज को आपने ऐसा कौन सा मंत्र दिया है, ऐसी कौन सी ऊर्जा आपने इनमें भर दी है कि 4,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 5,000 तक आने की संभावना है, फिर भी ये कह रहे हैं कि आने दो हमें कोई चिंता नहीं है। पूज्य महाराज जी, मेरी यही जिज्ञासा है कि ऐसा कौन सा मंत्र आपने इनको दिया? ये सागर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी के कई अर्थ होते हैं। और ये बुंदेलखंड का घर है, और बुंदेलखंड की मूल जो है कहना चाहिए एक प्रकार की राजधानी मानी जाती है, और सागर में यदि संस्कारों का इतिहास नहीं बना तो फिर क्या नदिया में बनेगा? और तुमने खुद कहा अभी कितनी अच्छी पंक्ति करी, नदियों को किसने बताया था कि समुद्र का रास्ता कहाँ है, फिर भी नदियाँ समुद्र तक पहुँच जाती है कि नहीं? नदी को किसने बनाया कि समुद्र का रास्ता कौन है? मंजिल का जुनून जिनको है वो मसहरा नहीं करते, मसहरा यानी डिस्कशन नहीं करते कहाँ जाऊँ कौन सा जाऊँ कैसे जाऊँ कहाँ जाऊँ। मंजिल का जुनून है, सलाह मसहरा नहीं करते। जिनको मंजिल का जुनून है वे कदम बढ़ा देते हैं, अंत में जहाँ चाहे वहाँ राय हो जाती है। तो बस यही जीवन का जिंदगी का एक सबसे बड़ा उसूल होना चाहिए, मंजिल का जुनून होना चाहिए। और मंजिल का जुनून है
तो वह ऐसे ही समुद्र में पहुंच जाता है, जैसे नदी को किसी ने रास्ता नहीं बताया था कि समुद्र का रास्ता कौन है, फिर भी नदी समुद्र तक पहुंच जाती है। बस यही एक महीने से इनमें हवा भर रहा हूं। ये आज की अंतिम जिज्ञासा थी, और हमारे बीच एक सुधामय पावन वर्षा युग में भक्ति कलश की घोषणा भी अभी आई है। श्रीमती सरिता जी, सौम्या जी, नमिता जी, श्वेता जी, संगीता जी, स्वर्गीय श्रीमान संतोष कुमार जी सुभाष नगर पगा रोड से कल सुबह आप आएँ और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें, और कल ही कलश स्थापना आप करेंगे। और आज की महामंगलमय आरती करने का सौभाग्य आज के हमारे श्रावक श्रेष्ठी परिवार परमादि कोमल चंद जी, सुमत कुमार जी, अनामिका जी, कैंची बेड़ी परिवार, ईसरवाड़ा वालों को प्राप्त है। और आज के हमारे ध्वजारोहणकर्ता परिवार और पूज्य गुरुदेव को आहार दान करता परिवार को भी आज आरती करने का सौभाग्य है। और श्रीमान संतोष जी, राजकुमारी जी, संजय जी, साधना जी, अमित जी, अभिलाषी जी लौटने वाले परिवार को भी महामंगलमय आरती का सौभाग्य प्राप्त है। और हमारी बहन आयुषी जो आज तक न्यूज एडिटर है, उनको भी आज पूज्य गुरुदेव की महामंगलमय आरती करने का सौभाग्य है। हमारे बीच सुनील जी, डीआईजी साहब पधारे, होने भी आज पूज्य गुरुदेव की महामंगलमय आरती करने का सौभाग्य है। आप महानुभाव आएं, और जो भी नीचे खड़े हैं सबसे अनुरोध है कि आप नीचे से ही आरती करें, आरती प्रारंभ करें। कल यहाँ पर, कल शाम को यहाँ बलि 10 लाख क्षण नहीं रहेगा परसों से, पर कल पब्लिक इतनी हो जाएगी कि यहाँ बैठ ही नहीं पाओगे। इसलिए कल सुबह 8 बजे
यहाँ शांति धारा होने के बाद सब लोग यहाँ से वहाँ चलें, ध्वजारोहण करें और पंडाल का उद्घाटन करें और कल का सुबह का प्रवचन वहीं करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र खानपुर झालावाड़ राजस्थान। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती कुसुम लता जैन, श्री कपिल, श्रीमती वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, श्री विपुल, श्रीमती दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव, फर्म बेंसन पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती मुन्नी देवी, श्री राजेंद्र कुमार जी, श्री ज्ञानेन्द्र, श्रीमती मधु, श्री संजय, श्रीमती सिंपल, श्री नीरज, श्रीमती मोनिका, प्रांजुल, संयम, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रियांशी, प्रियांश एवं समस्त गदिया परिवार सूरत। फर्म आदिनाथ टेक्स कैंप लिमिटेड।